भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। यह राशि कांग्रेस ने कल जारी घोषणा पत्र से 100 रुपए ज्यादा है। इसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसी 20 बातें हैं। रोहतक में संकल्प पत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगा और चिरायु आयुष्मान योजना में 10 लाख तक इलाज मुफ्त हो सकेगा। इस प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा बड़े नेता मौजूद रहे। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की एको ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो ये था, जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना। ये सारी आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती?